हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ प्लांटिंग फॉर लिविंग में। आज 19 जुलाई 2020 है। आज हॉट टेम्परेचर है कुछ ज़्यादा ही, और आज का जो मेरा टॉपिक है वो मोतिया के पौधे की केयर के बारे में है। तो आज मैं बताऊँगा ये फ्लावरिंग कब करता है और इसको पानी कब देना है। असल में होता यह है, जब भी हम किसी भी प्लांट्स को, किसी भी पौधे को पानी देते हैं, तो ख़ास तौर पर हम उस वक्त देते हैं उसे जब वो खुश्क होता है। और अक्सर हमारे पौधे खुश्क कब होते हैं? दोपहर के वक्त, जब सूरज की रोशनी मुकम्मल पौधों पे पड़ रही होती है, तो हम उसको पानी दे देते हैं। उससे नुकसान क्या होता है कि हमारा जो पौधे की जड़ें हैं उसमें जो है पानी रुका रहता है, और धूप की वजह से वो गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी रूट्स को नुकसान होता है और पौधा जल जाता है। तो अगर ऐसा हॉट टेम्परेचर चल रहा है आपके शहर में, तो आपको चाहिए कि पौधों को पानी रात के वक्त दें, या सुबह सवेरे दें, या अर्ली मॉर्निंग दें। तो इससे आपका पौधा जो है अच्छे से ग्रोथ करेगा। दूसरी बात जो ये है कि इसको कौन सा फूड देना है कि ये फ्लावरिंग पे आ जाए। तो आपने ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में तो इसको फर्टिलाइज़र नहीं देनी, क्योंकि वैसे ही हॉट टेम्परेचर है तो ये अपनी खुराक अच्छे से बना सकते हैं। लेकिन अगर जैसे कुछ लोग दे देते हैं DAP दे देते हैं या यूरिया दे देते हैं, उससे क्या होगा, आपका पौधा जल सकता है। तो इसका फ्लावरिंग को करवाने का बेहतरीन तरीका ये है, इसको सनलाइट दी जाए, जैसे कि इस टाइम मिल रही है और ये शाम का टाइम है, यानी 5 PM, तो इसको धूप मिलनी चाहिए। और पानी उस टाइम डालें जब धूप ना हो, या तो सूरज ढलने के बाद या अर्ली मॉर्निंग दें। तो मेरी जो फ्लावरिंग हुई हुई है पौधों की, तो वो इस तरह से हुई है। मैंने तकरीबन आज से 2-3 महीने पहले इसको काव डंग दिया था, जो कि आप इसकी मिट्टी के अंदर भी देख सकते हैं, ये इसके अंदर काव डंग पड़ी है। तो वो अच्छे से इसमें मिक्स हो गई है। तो काव डंग यानी वो भी काव डंग वो भी कि जो 3-4 या 1-2 साल पुरानी है, वो इसके अंदर डाली थी, जिसकी वजह से इसकी अच्छी ग्रोथ चल रही है और इसको फ्लावरिंग भी हो रही है। आपने इस पौधे को अच्छे से प्रूनिंग करेंगे तो आप इस पौधे को अच्छी तरह से बढ़ता हुआ देखेंगे, जिस तरह से मेरा प्लांट जो है चारों तरफ से अच्छी तरह से बढ़ रहा है। और इस पे अगर आप ये देखें जिस तरह से ये इसको कीड़े ने अटैक भी किया किसी, तो आप इस पे किसी भी फर्टिलाइज़र या किसी भी यानी इंसेक्ट्स रिपेलर भी इस पे स्प्रे कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।